हेलीकॉप्टर की तरह आवाज है भाई साहब इस ट्रैक्टर की, बिल्कुल अरे हेलीकॉप्टर चल रहा हो गजब आवाज। अरे वो गिर गया रेडा, गिर गया रेडा। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको भारत एग्री ऐप के बारे में बताना चाहेंगे। अब आप घर बैठे अपनी फसलों को देख सकते हैं। बात करें कीट नियंत्रण की, तो कीट नियंत्रण आप भारत एग्री सैटेलाइट फीचर के माध्यम से कर सकते हैं। ये आपको तीन तरीके से बताता है, हरा, पीला, लाल रंग। लाल रंग का मतलब है आपकी फसल पर कीटों का हमला हो चुका है। पीले कलर का मतलब है कि रोग या कीट आने की संभावना है। हरा कलर दर्शाता है आपकी फसल स्वस्थ है। लाल रंग देखते ही आप कृषि सलाहकार से फ़ोन पर बात कर सकते हैं और निवारण जान सकते हैं। इसका पूरा लाभ लेने के लिए आप प्ले स्टोर से भारत एग्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फेवरेट फार्मिंग में। और किसान भाइयों के लिए ले गए हैं कमाल की जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर आपने बहुत कम देखा होगा, यूनिक ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर का नाम है रुमानिया 650, 65 HP में ट्रैक्टर आता है। उनसे हम आपकी बात भी करवाएंगे। देखिए कितना बेहतरीन ट्रैक्टर है, आप टायर देख सकते हैं उसके। तो इसके बारे में आज पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाम सुभाष चंद्र जी। अच्छा, गाँव का नाम? रामपुरी मुजफ्फरनगर। रामपुरी मुजफ्फरनगर। ये ट्रैक्टर कब लाए थे? ये 72 में आया था। 1972 में? 1972 में से ही आप ले गए हैं? ना ना ना, वो तो और बहुत रिटायर हो गए। आप क्या काम करते हैं इस ट्रैक्टर से? बस मैं तो चला रहा है इसे। किस चीज में चला रहे हैं? तारकोल्डो में। तारकोल्डो में? हाँ जी। अच्छा, यही ट्रैक्टर आपको क्यों पसंद है? भाई यही है, विभाग में ट्रक सारे खड़े हो गए। ट्रक खड़े हो गए, विभाग का ट्रैक्टर है। कितनी एचपी की है? कितनी एचपी का ट्रैक्टर? 65 HP का ट्रैक्टर है। घंटे में कितना डीजल खाता है? डीजल ये खा ले 4 के आसपास। 4 के आसपास डीजल खा ले? अच्छा अच्छा। इसके टायर के बारे में बताएंगे, कितने कितने टायर नहीं मिल रहे इसके? टायर नहीं मिल रहे? ना, मिल क्यों मिल इतने बड़े टायर मिलते ही नहीं है? ना, 13-38 के टायर मिल नहीं रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। देखिए किसान भाइयों, ये हम आपको ये ट्रैक्टर दिखा देते हैं, रुमानिया 650, 65 HP में ट्रैक्टर आता था। 1972 में ये रशिया का ट्रैक्टर है, शायद रशिया का ही है ना, शायद रूस का है। हाँ, रूस का ट्रैक्टर है। अभी क्या है ना, ये जो बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, ये सड़क के काम में चलते हैं, PWD विभाग में चल रहा है। मुझे ये जानकारी अच्छी लगी, इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए जो सामने के इसके टायर हैं, पहले टायर 650 20 के टायर, जो कि काफ़ी बड़े हैं। किसान भाई का कहना है अब इसके टायर नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इसका इंजन है और इस पर लिखा हुआ है प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर। ये देख लो आप कितना, ये इसका साइलेंसर है। और ये गियर की बात करें तो गियर कितने हैं इसमें? इसमें 8 गियर। 8 गियर है। पीछे के कितने? सारे 8 गियर। अच्छा, 8 गियर है इसमें, 8 गियर है। और ये देख लो कितना भयंकर ट्रैक्टर है, ये देख लो। और ये पिछले टायर देख लो, बाप रे। ये जो टायर आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये हिस्सा क्या आ जाएगा, ये जो इसका हिस्सा है बाहर आ जाता है। इसको इससे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रैक्टर का टायरों का आगे पीछे कर सकते हैं। ये देख लो PWD इस पर लिखा हुआ है, कितना बड़े टायर है, MRF का टायर है। ये टायर मिल जाएगा क्या? अब तो नहीं मिलेगा। तो खराब हो गया तो क्या करोगे? बस खत्म हो जाएगा, अब तो खत्म हो जाएगा। ये देख लो टायर 13-38 के टायर है भाई साहब, बेहतरीन ट्रैक्टर। ये लिखा हुआ है देखो, 13-38 के टायर हैं। डीजल खाता है घंटे में 4 लीटर, 4 लीटर खा जाता है, लोड पे तो 5-6 लीटर भी खा जाएगा। अच्छा, 4 लीटर ही खाता है, 4 लीटर खाता है। ये देख लो नंबर, देख लो USP 6472 उत्तर प्रदेश सरकार। ये देख लो जी, इधर से भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देख लो, ये बैटर रखा है इसका, और बड़े काफ़ी बड़े टायर हैं यार इसके। 100 लीटर की टंकी है इसकी, पूरा हाथी ट्रैक्टर है।
जी 20 क्या 20 क्या 20 लीटर मोबिल ऑयल 20 लीटर मोबिल ऑयल डलता है हाँ डीजल में मोबिल ऑयल डलता है नहीं इंजन में 20 लीटर मोबिल ऑयल अच्छा इंजन में 20 लीटर मोबिल ऑयल डलता है सर्विस के लिए धन्यवाद तो किसान भाइयों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं फिलहाल की वीडियो में इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जल्द मिलते हैं ऐसी किसानों संबंधित अगली नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू वीडियो देखने के लिए